हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के 5 ऐसे तारीख के हुक्म जिनकी वजह से आज तक मनुवादी उनसे नफरत करते हैं। मालाबार की दलित औरतों को ब्राह्मण के सम्मान में अपना सीना खोल देना पड़ता था। इस बेहद घिनौने रिवाज पर टीपू सुल्तान ने रोक लगा दी थी। कुछ जगह इंसानों की बलि दी जाती थी। इस गैर इंसानी अमल पर आजीम सुल्तान ने पाबंदी लगाई थी। मजहब के नाम पर बहुत से साधु नंगे रहते थे। टीपू ने अपनी रियासत के अंदर सभी मर्द औरत के लिए बदन छुपाना जरूरी करार दिया था। अपनी सल्तनत में मुफ्त की गुलामी और बेगारी को गैर कानूनी करार दिया था। टीपू सुल्तान नशे को गुनाहों की जड़ समझते थे। सल्तनत मैसूर में शराब और नशीले पदार्थों पर मुकम्मल पाबंदी थी। यहाँ तक कि कोई शख्स भांग भी नहीं ले सकता था। और इसके अलावा भी इनके ऐसे कारनामे हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। जिसकी तलवार की एक झनकार सुनकर अंग्रेजों के कलेजे जहल जाते थे। टीपू सुल्तान की 270वीं जयंती मुबारक। अंग्रेजों के आगे कभी ना झुकने वाले और अपनी आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़कर शहीद होने वाले योद्धा टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 को देवनहल्ली में पैदा हुए। टीपू ने अपनी पैदाइश से मौत तक सारी जिंदगी संघर्ष किया। टीपू जब 10-12 साल के थे तभी उनके वालिद हैदर अली, जो उस वक्त कमांडर थे, अपने राजा से बगावत कर दी, जिसके बाद उनके दोनों बेटों को कैद कर लिया गया। लेकिन हैदर के दोनों बेटे टीपू और करीम कैद से फरार हो गए। शहर में शोर मच गया। सेना उन दोनों को खोजने निकल पड़ी। अगला दिन होली का था। दोनों भाइयों ने खुद को होली के रंग में रंग लिया और छुपते छुपते अपने पिता हैदर से जा मिले। कुछ साल बाद टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली ने वहां के राजा को हराकर मैसूर के सुल्तान बन गए। टीपू के दादा फतेह मोहम्मद, जो सदातुल्ला खान के सेना में कमांडर थे, सदातुल्ला खान को मुगल बादशाह औरंगजेब ने कर्नाटक में नियुक्त किया था। सदातुल्ला खलीफा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के वंशज थे और फतेह मोहम्मद के वंशज अरब के बानी बनी हाशिम कबीले के कुरैश खानदान से थे। असल में भारत में मिसाइल का इस्तेमाल सबसे पहले फतेह मोहम्मद ने फ्रांसीसी सेना से सीखा था, जिसे हैदर अली और टीपू सुल्तान ने टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया था। इतना डेवलप कि उतनी ज्यादा दूर तक मार करने वाली मिसाइल ब्रिटिश सेना के पास भी नहीं थी। भारत में जब तक टीपू सुल्तान जिंदा रहे, अंग्रेजों को लगा वो पूरे भारत पर कब्जा नहीं कर सकते, ना ही उसे अकेले हरा सकते। इसलिए अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम को अपने साथ मिला लिया और तय कर लिया कि मैसूर को तीनों बराबर हिस्से में बांट लेंगे। इसके बाद भी अंग्रेज को टीपू सुल्तान से हारने का डर था, इसलिए अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के सेनापति को भी लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। टीपू सुल्तान तरह अकेला रह गया। अपने आखिरी वक्त में हजरत अली का कौल दोहराया था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल से बेहतर होती है, और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आप देख रहे HD24। मैं आपके साथ अहमद कुरैशी।